अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय ऑनलाइन इंग्लिश क्लासेस। हमारी जॉक्स फॉर मॉडर्न इंग्लिश की पोम चल रही थी माय प्लेमेट, आज हम उसकी रिमेनिंग एक्सरसाइजेस को कंप्लीट करेंगे। ओके, तो हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर हमें आर्टिकल्स की एक्सरसाइज दी हुई है यूजिंग द, ए एंड एन। नोट नोट दैट वी यूज द बिफोर नाउन्स दैट आर फैमिलियर और हैव बीन इंट्रोड्यूस्ड ऑलरेडी। एग्जाम्पल, वी वेंट टू सी अ फिल्म, द फिल्म वॉज एक्साइटिंग। वी ऑल्सो यूज द व्हेन द नाउन वी आर स्पीकिंग अबाउट इज़ द ओनली वन और वन इज दैट इज़ वेल नोन, मतलब मशहूर हस्ती का नाम आता है तो उस पर हम सबसे पहले द लगाते हैं। एग्जाम्पल, द कॉन्टेंट ऑफ एशिया, द सी, द स्काई, द डॉक्टर, द पास्ट ऑफिस। वी यूजली यूज द बैंक। ओके, तो यहाँ पर सी कुछ एक्सरसाइजेज है। यहाँ पर लिखा हुआ है फिलिंग द फॉलोइंग ब्लैंक्स विद द करेक्ट आर्टिकल्स ए एन और द। इस पूरे में जो है सेंटेंस दिए हुए हमें उसमें ए एन और द लगाने हैं। अली लिव्स इन एन ओल्ड हाउस, इसके आगे आप लिखेंगे इन द बिग सिटी। अलीज़ हाउस हैज़ अ स्मॉल गार्डन। इसके बाद है अली डज नॉट हैव अ ब्रदर और अ सिस्टर। इसके बाद है ही इज़ द ओनली चाइल्ड, ये एक ही लड़का है। वन डे अली वॉज प्लेइंग इन द गार्डन व्हेन अ स्ट्रेंजर केम टू द गेट। The stranger tried to talk to Ali. Ali quickly went inside the house and got an adult. Ali knew that he should not talk to strangers. तो इसमें ये आर्टिकल्स लगाने थे। जब भी एन कहीं लगाना हो तो उसकी एक ये हिंट, मैं आपको एक ये हिंट दे सकती हूँ कि जो डैश है उसके आगे का वर्ड देखेंगे, उसके आगे का वर्ड जो पहला वर्ड है अगर वो वॉवेल आ रहा है तो इस मीन आप उससे पहले एन लगा देंगे। ये एक एन की कह सकते हैं एक निशानी है कि जैसे एन अगर आपको लगाना है तो उसके आगे जो वर्ड है अगर वो सबसे पहला वॉवेल है तो आप एन लगा देंगे। इसके बाद है वी यूज़ ए और एन विद सिंगुलर नाउन्स, वी यूज़ सम फॉर प्लूरल्स और व्हेन वी डू नॉट नो हाउ मैनी देयर आर। फिल इन द ब्लैंक्स विद ए एन और सम। इसमें आप लिखेंगे अ कैट, ये देखें यहाँ पे वॉवेल नहीं है तो आप अ कैट लिख देंगे। ये यहाँ देखें यहाँ पे वॉवेल है तो आप यहाँ एन ऑस्ट्रिच लिख देंगे, ओ वॉवेल है। यहाँ पे लिख देंगे सम पीपल, क्योंकि पीपल एक तो नहीं है ना, और यहाँ पे लिखा हुआ है कि कुछ लोगों के लिए सम यूज़ करना है, एन एग ई वॉवेल है तो यहाँ एन आ जाएगा। देखें कंट्रीज़ है, अगर यहाँ पर एस नहीं होता तो आप यहाँ पर द लिखते, लेकिन यहाँ पे एस गिवन है तो इसका मतलब यहाँ पे सम कंट्रीज़ आएगा। और फिर यहाँ पर है मैप तो आप यहाँ मैप लिख देंगे। इसके बाद नीचे है दिस दैट दीज दोज आर नोन एज डायरेक्शन वर्ड्स। वी यूज़ दिस और दीज टू टॉक अबाउट थिंग्स क्लोज टू अस एंड दैट और दोज टू टॉक अबाउट थिंग्स एट सम डिस्टेंस अवे फ्रॉम अस। तो दिस और दीज तब उस चीज़ों के लिए यूज़ होता है जैसे वो चीज़ हमारे करीब है, और दैट और दोज उन चीज़ों के लिए यूज़ होता है जो चीज़ हमसे थोड़ी डिस्टेंस पर होती है, मतलब थोड़ी सी दूर होती है। Use them each in a sentence of your own. तो इसमें आपको लिखना है this that stadium over there is very big. तो आप यहाँ पर that लिख देंगे, that stadium over there is very big. This that food on my plate tastes good. यहाँ पर this लिख देंगे, this food on my plate tastes good. These those boots at the top of the closet are very old. तो आप यहाँ पर those लिख देंगे. Can you pass these sheets to everyone? यहाँ पर आप these लिख देंगे। इसके बाद है लिसन एंड स्पीकिंग, लिसन केयरफुली एंड रिपीट द फॉलोइंग अलाउड। तो बस आपको केयरफुली पढ़ना है। क्वाइट अ लॉट ऑफ डक्स इन अ क्वीवी ऑन द क्वे गोइंग क्वैक क्वैक क्वैक। अ मोथ इज नॉट अ मोथ इन मदर नॉट ब्रोथ इन ब्रदर। शी सीज ही ब्लू एज ही च्यूड गम द क्र्यू ड्रू अ न्यू ब्लू फ्रॉम द स्ट्यू। लिसन केयरफुली एंड से दीज वर्ड्स क्रैक क्राउन क्रैब ड्रिल ड्राई ड्रिप फ्रॉक फ्राई फ्रिल ग्रीन ग्रास ग्रिल ट्रेन ट्री ट्रंक स्किप स्किन स्किल स्लैम स्लिप स्पॉट स्पिन स्विम एंड स्विंग। तो उसके बाद हम यहाँ पे एक छोटी सी हमें एक्टिविटी दी हुई है। द लिटिल बॉय इन द पोम सीज हिमसेल्फ इन द पडल। वी यूज मिरर टू लुक एट आवरसेल्व्स। टॉक अबाउट व्हाट दीज चिल्ड्रन आर डूइंग। टॉक अबाउट व्हाट डू यू डू एंड गेट रेडी इन द मॉर्निंग। तो इसमें लिखा हुआ है कि इस पोम में जो लड़का है वो पानी के पूल में देख रहा है। हम अब तैयार होने के लिए हम अपने आप को शीशे में देखते हैं। ये दो पिक्चर्स का आपको बताने हैं कि दोनों क्या करना है और अपनी मॉर्निंग की रूटीन बतानी है। तो इसमें आप लिखेंगे द बॉय ही इज़ ब्रशिंग हिज टीथ और इसमें द बॉय ही इज़ कॉम्बिंग हिज हेयर।
तो आप इसमें ये दोनों एक एक सेंटेंस लिख देंगे। और डेली रूटीन आप ये आई गेस अपने ओन वर्ड्स में भी लिख सकते हैं, लेकिन मैं आपको थोड़ा सा गाइड कर देती हूँ उसके बारे में। तो इसमें आप लिखेंगे, आई वेक अप इन द मॉर्निंग एट 7:30 o'clock, आई ब्रश माई टीथ एंड देन वेयर माई यूनिफॉर्म एंड आई लुक इन टू द मिरर एंड कॉम माई हेयर एंड देन आई डू देन आई वेयर माई शूज एंड अनटिल आई वेट फॉर माई वैन एंड द वैन कम्स आई सिट इन टू द वैन एंड वैन टू माई स्कूल। तो ये मैं आपको थोड़ा सा गाइड कर दिया, आप ये अपने ओन वर्डिंग में लिख लीजिएगा मॉर्निंग की रूटीन। डू यू हैव अ फ्रेंड, हु इज़ इट? मेक अ चार्ट इन योर नोटबुक एंड फिल इट इन लाइक वन बिलो अबाउट योर फ्रेंड, ड्रॉ अ पिक्चर ऑफ योर फ्रेंड इन द मिडल, देन राइट द इन्फॉर्मेशन इन द फॉर्म ऑफ अ पैराग्राफ। तो देखिए, इसमें आपको नोटबुक में इस तरीके का बनाना है, बीच में आपको अपने फ्रेंड की पिक्चर स्टिक करनी है। ये जो चार चीज़ें हैं इसके मैं आपको आंसर्स बता देती हूँ, लेकिन आपको अपना कोई फ्रेंड कोई हो उससे रिलेटेड कुछ इन्फॉर्मेशन लिखनी हो तो आप वो लिख सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर सबसे पहले लिखा हुआ है योर कॉमन इंटरेस्ट एंड हॉबीज़, तो आप लिख देंगे माई कॉमन इंटरेस्ट एंड हॉबीज़ इज स्विमिंग, रीडिंग, मॉडलिंग, आप कुछ भी लिख सकते हैं। नेक्स्ट है बेसिक इन्फॉर्मेशन, नेम, एज, वेयर ही शी स्टडीज़, तो इसमें नेम में आप लिख देंगे उस्मान, एज आप लिख देंगे 19 ईयर्स, वेयर ही शी स्टडीज़ तो आप लिख देंगे ही स्टडीज़ विद मी इन द स्कूल हबीब स्कूल। इसके बाद व्हाट डू यू लाइक और डिसलाइक अबाउट हिम हर, तो इसमें यह है कि लाइक और डिसलाइक में से कोई एक चीज़ लिखनी है, दोनों लिखना मस्ट नहीं है। तो इसमें आप लिख सकते हैं व्हेन ही लर्न समथिंग, व्हेन ही लर्न समथिंग ही स्पीक्स वेरी लाउडली, दिस डिसलाइक्स मी अबाउट हिम द मोस्ट, जब वो पढ़ता है तो बहुत ज़्यादा चीख चीख के पढ़ता है। योर फेवरेट पास्ट टाइम विद हर, तो इसमें आप लिख सकते हैं व्हेन वी वेंट टू द फार्म हाउस विद आवर फैमिली ड्यूरिंग समर वेकेशंस, जब हम दोनों अपनी अपनी फैमिलीज के साथ फार्म हाउस गए थे समर वेकेशन के टाइम पे, वो हमारा बेस्ट पास्ट टाइम था। अब यहाँ पे इस चैप्टर की लास्ट एक्सरसाइज दी हुई है, व्हेन इज़ योर बर्थडे, व्हेन वी से व्हाट पोजीशन समथिंग इज एट ऑन अ लिस्ट और व्हेन वी टॉक अबाउट डेट्स वी यूज़ ऑर्डिनल नंबर्स, जब हम डेट्स के बारे में बात कर रहे हो तो हम ऑर्डिनल नंबर यूज़ करते हैं। मोस्ट ऑर्डिनल नंबर्स एंड विद TH, मोस्टली जो ऑर्डिनल नंबर्स होते हैं वो TH पेंड होते हैं, जैसे कि 10th, देखें TH पेंड हो रहा है, हम ये लिखते हैं ना, तो ये ऑर्डिनल नंबर्स कहलाते हैं। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड डू नॉट एंड विद इन TH, कुछ कुछ नंबर्स बस होते हैं जैसे कि फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और दूसरे भी जो कि TH में एंड नहीं होते। माय बर्थडे इज 5th of November, देखें यहाँ पे ऑर्डिनल नंबर आ रहे हैं। राइट द ऑर्डिनल नंबर्स इन वर्ड्स फ्रॉम द फर्स्ट टू द 30th, बी केयरफुल विद द रेड वंस, तो इसमें आप देख सकते हैं इसमें लिखा हुआ है कि जो जो रेड मार्किंग हुए हुए हैं, एक वो एग्जाम्पल के तौर पर या हिंट के तौर पर दिया हुआ है कि उसमें TH नहीं आएंगे और बाकी जो जो हैं उन सब में TH आएंगे। तो मैं यहाँ पे लिख देती हूँ फर्स्ट, सेकंड, देखें यहाँ पे आप खुद देख सकते हैं कि TH जो है वो नहीं आ रहा, सेकंड, थर्ड, अब यहाँ पे देखें फोर्थ आ रहा है, तो फोर्थ में और ऑटोमेटिकली TH आ जाएगा। इसी तरीके से फिफ्थ, देन सिक्स्थ, तो मैं आपको एक साथ पूरा कंप्लीट करके फिर दिखा देती हूँ 30 तक पूरा कंप्लीट करके। ओके, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने पूरा कंप्लीट कर दिया है, 5th, 6th, 7th, 8th, 9th, 10th, 11th, 12th, 13th, 14th, 15th, 16th, 17th, 18th, 19th, 20th। अब यहाँ देख सकते हैं ये रेड वर्ड में आ गया है, यहाँ पर 21st में जो है TH नहीं आता, 21st भी लिख सकते हैं, 21 भी लिख सकते हैं आप, 22nd यहाँ पे आप 22 भी लिख सकते हैं, 23rd या 23 भी लिख सकते हैं, ये लिखें तो ज़्यादा बेहतर है, 24th, 25th, 26th, 27th, 28th, 29th and 30th। ये लास्ट है, व्हेन इज योर बर्थडे, राइट डाउन द फुल डेट ऑफ योर बर्थडे, तो आपकी जो बर्थडे है आप उस पर लिख सकते हैं इस तरीके से भी और इस तरीके से भी। यहाँ पे बोला गया है कि फुल वर्ड्स में लिखना है, तो मैं आपको यहाँ पे फुल वर्ड्स में बता देती हूँ, आपकी जिस भी डेट पे आती है आप फुल वर्ड में लिखिएगा। ओके ओके, तो जो पोम थी माय प्लेमेट विद एक्सरसाइज यहीं पर ही कंप्लीट होती है, इसका जो नेक्स्ट चैप्टर है वो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को मस्ट लाइक एंड सब्सक्राइब कर दें। इफ़ यू वांट मोर वीडियोस एंड डेली वीडियोस फ्रॉम दिस चैनल, थैंक यू।